नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज में फिर से उपस्थित हूं। आज हम लोगों का जो प्रमुख विषय है वो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश है, जो सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनसे संबंधित विषय। इससे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो भारत की न्यायपालिका है उसके इतिहास इत्यादि के विषय पढ़ चुके थे, साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो सामान्य स्वरूप है, व्यवहारिक स्वरूप है, वो पढ़ चुके थे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, या हम ये कहें कि उसका गठन, उसके न्यायाधीशों की नियुक्तियां, उनको हटाने की प्रक्रिया, उनकी संसद की विधियां इत्यादि जो है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हैं, वो सारे विषय हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जो कार्य की स्थिति में होते हैं, उसके अतिरिक्त जो अन्य, ना कहकर हम इसे अतिरिक्त कहें, अर्थात यहाँ पर अन्य शब्द न लगा के अतिरिक्त शब्द लगा दें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो अतिरिक्त जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनसे संबंधित प्रावधान। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में तीन प्रमुख रूप से अन्य प्रकार के या अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अर्थात जो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का है या इंडिया का है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, एडहॉक जस्टिस होते हैं। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत जो ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं जो अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं या 65 वर्ष से अधिक उम्र के हो चुके हैं, उन न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति की जाती है। यह तीन ऐसे न्यायाधीश होते हैं। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर खासतौर से तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जस्टिस पर प्रश्न आए हुए हैं। आईएएस 2000 का पेपर आप उठा लीजिए, यूपीपीसीएस 2004, यूपीपीसीएस 2014, ये दोनों पेपर आप उठा लीजिए प्रारंभिक परीक्षा के, उस दोनों में ही एडहॉक जस्टिस पर प्रश्न पूछे गए। इसका मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर प्रश्न आते रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहला जो है वो है अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, एक्टिंग चीफ जस्टिस। सीधी सी बात है, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो उस समय प्रेजेंट में हैं, वह छुट्टी पर हैं। किन किन विषयों पर हो सकते हैं? छुट्टी पर हैं, कार्य करने में असमर्थ हैं, मतलब या बीमार हैं, या ऐसी कोई परिस्थिति जिसकी वजह से वह अपने ऑफिस में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, या अन्य कोई बात हो गई है, जैसे उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, चाहे वो कदाचार के मामले में हो, चाहे असमर्थता के मामले में हो, अर्थात ऐसी कोई परिस्थिति जिसकी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है, उन किन्हीं भी स्थितियों में भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि भारत के राष्ट्रपति किसी अन्य व्यक्ति को जो इस पद के प्राप्त करने की योग्यता रखता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उस व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि प्रमुख स्वरूप ये है कि पदक्रम में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उन्हीं को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, बाहर से किसी अन्य व्यक्ति को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नहीं नियुक्त किया जाएगा। तो अधिकांश ही नहीं, स्वरूप ही यही है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनके पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो मुख्य न्यायाधीश के पास होती हैं, वो सारी वेतन भत्ते, सारे अधिकार, सारे कर्तव्य वही होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के पास होते हैं। प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास हैं, वही एक्टिंग जो चीफ जस्टिस हैं वही अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य सब इनके पास भी होंगे। ठीक है मित्रों, उसके बाद दूसरा स्वरूप है, खासतौर से तदर्थ न्यायाधीश काफी इम्पोर्टेंट है, जो अनुच्छेद 127 के अंतर्गत है एडहॉक जस्टिस का। तदर्थ न्यायाधीश, सबसे पहली चीज ये है कि तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं, हाई कोर्ट में नहीं नियुक्त होते। ध्यान रखिएगा, केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, हाई कोर्ट में नियुक्त नहीं होते। तदर्थ न्यायाधीश की प्रक्रिया हाई कोर्ट में नहीं है, ऐसा समझिए केवल। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है,
तो संबंधित हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाएगा। कैसा न्यायाधीश बनाया जाएगा? तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाएगा। प्रमुख न्यायाधीश के स्वरूप में नहीं स्थापित होगा, तदर्थ के रूप में स्थापित किया जा सकता है, लेकिन यह सीधे नहीं किया जा सकता है। कब किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिस हाई कोर्ट से जज को सुप्रीम कोर्ट तदर्थ न्यायाधीश के रूप में लाना होगा, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करके, उनसे जो भी सलाह उनको करनी है वो करके, फिर यह नाम सीधे रिकमेंड कर देंगे भारत के राष्ट्रपति को। अर्थात तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्त करने की बाकायदा एक प्रक्रिया है। कैसी? सीजीआई अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश बनाना चाहते हैं, तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके वह नाम भारत के राष्ट्रपति को रिकमेंड कर देंगे, सिफारिश कर देंगे, और राष्ट्रपति संबंधित व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर देगा। दूसरी चीज ये है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने दिन के लिए होगी। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति 2 वर्षों के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है। ये नहीं कि आजीवन तदर्थ न्यायाधीश ही बना रहेगा, 65 वर्ष तक की उम्र तक तदर्थ न्यायाधीश ही बना रहेगा, 2 वर्षों तक के लिए ही नियुक्त किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात उसका एक सामान्य कार्यकाल है 2 वर्ष, और इस 2 वर्ष की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के पास वही सुविधाएं होंगी, वही वेतन होगा, भत्ते होंगे, वही अधिकार होंगे, वही शक्तियां होंगी, वही कर्तव्य होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास होते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास जो अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य होंगे, वही तदर्थ न्यायाधीश के पास भी होंगे, अतिरिक्त नहीं, कम नहीं, क्योंकि फिर न्याय करने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज ये है कि तदर्थ न्यायाधीश कब नियुक्त किए जाते हैं, इसका तीसरा प्रमुख विषय यह है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जब काम ज्यादा हो, हमारे सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी काम के दबाव से दबा हुआ है, बहुत ज्यादा केसेस हैं, पूरे देश का मिला दें तो करोड़ों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट में, हजारों की संख्या में केसेस हैं। पहली चीज, केस बहुत ज्यादा हो, काम बहुत ज्यादा हो और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश खाली ना हो, तो ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है। दूसरी, जब सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर न्यायाधीश छुट्टी पर चले गए हो, कोरम ना पूरा हो रहा हो, और ऐसी स्थिति में जब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ये देखते हैं कि कोरम ही नहीं पूरा हो रहा, तो न्याय प्रक्रिया पूरी रुकी हुई है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती। तो ये 2 विषय ऐसे हैं जहां पर तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती, जब काम ज्यादा हो एक विषय, दूसरा जब कोरम पूरा ना हो रहा हो, तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, तदर्थ न्यायाधीश के पास अधिकार, शक्तियां, कर्तव्य वही होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के पास होते हैं, लेकिन नियुक्ति किसकी पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन सलाह किसकी होती है? सीजीआई की होती है, और सीजीआई किससे सलाह लेंगे? उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से लेंगे, तब किसी उस मुख्य हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, किसी अन्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए, लेकिन उसके पास वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। ठीक है, ये है तदर्थ न्यायाधीश। तीसरा एक और छोटा सा विषय होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत ज्यादा है और कोरम भी पूरा ना हो रहा हो, ऐसी भी स्थिति हो, और ऐसी कोई स्थिति हो जहां पर सुप्रीम कोर्ट को लगे नहीं, जो पुराने जजेस हैं किसी विषय पर अच्छी सलाह दे सकते हैं या अच्छे कार्य कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, ध्यान रखिएगा, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से कोई कार्य नहीं होगा, राष्ट्रपति की यहां पर पूर्व अनुमति होगी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। और करेगा कौन? सीजीआई करेंगे, हालांकि पूर्व अनुमति कौन लेगा? सीजीआई लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की यहां पूर्व अनुमति चलेगी। बाद में तो फिर जब पूर्व अनुमति होगी तो इसका मतलब है राष्ट्रपति की नियुक्ति हो गई, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति हो गई, तो पूर्व अनुमति से ही राष्ट्रपति की सीजीआई ऐसा कार्य कर सकते हैं। और ये तब होता है
जब काम का बोझ अधिक हो या ऐसी कोई परिस्थिति हो जहां पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे सेवानिवृत्त जजों की अनुभव की आवश्यकता हो तो ऐसी किसी भी स्थिति में यह कार्य किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये सुप्रीम कोर्ट के तीन अलग प्रकार के न्यायाधीश हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, उनके प्रावधान जो हैं, बाकी वो सारे के सारे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।